साला बीती भर के बच्चे हो तुम शर्म ना आ रही इसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं तुम जैसे हो ना छत्तीस को फाड़ के फेंक देती हूँ मैं आप मेरे बारे में जब जानेंगे कि मैं क्या हूँ आपके सबके होश उठ जाएंगे मैं एक बार की बात बताती हूँ जब मैं वॉक के लिए गई थी तो एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे छह सात लड़के होंगे वो लड़के उसे छेड़ रहे थे स्टार्टिंग में मैंने उसे मैं मतलब उसको मैंने नहीं देखा इग्नोर मार दिया लेकिन मुझे लगा वो उस लड़की को उठाने की बात कर रहे हैं मैं बोला अब तो ज्यादा ही बात बढ़ गई है मुझे इसमें जाना चाहिए मैंने जाके लड़कों को बोला क्या है लड़कियों को क्यों तंग करे जा रहे हो इतनी देर से थारे को ज्यादा आग हो रही है तो वो बोले अरे तू के बीच में बोल लिए तू निकल यहाँ से मैं बोला अरे लड़की को उठाने की बात तू कर रहा है तुम लोगों को शर्म ना आ रही है थोड़ी सी भी चल एक काम कर तुम हारे को उठा ले मैं तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ अच्छी हूँ तुम मा, तुम मारे को उठा के लेके चलो कालियान की बात कर रहे हो अरे तू अ अरे निकल क्या अरे माँ सामने खड़ी बेटी को लेकर जा रहा है माँ को लेके जा माँ ज्यादा स्मार्ट है तो लड़के बोले वो मेरे से बदतमीजी करने लगे वो एक गाली देते मैं चार गाली देती अब मैंने कहा यार गाली से बात नहीं बड़ेगी मैं दोनों का सर उठाया भेज दिया और दोनों जितने भी छे लड़के थे छह या सात होंगे मुझे याद नहीं है तो मैंने उनकी इतनी धुलाई की एक एक को पकड़ पकड़ के मारा तीन लड़के स्कूटी पे चले गए वो बाइक पे दो लड़के स्कूटी पे गए और दो गाड़ी में निकल गए तो उस लड़की से भी पूछा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी तो वो कह रही मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ उसे भी समझाया कि ऐसे रास्ते में नहीं जाना तो नमस्कार मेरा नाम मेहरूनिशा है मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ ऊपर से गुजर उस फैमिली में पैदा उस समाज में पैदा हो उस टाइम पे बच्चे को पढ़ाने पे भी रोक लगाई जाती थी तो जॉब करना तो बहुत बड़ी बात थी जॉब करना तो सोचिए लड़की का जॉब करना लड़की का कमा के लाना एक माँ बाप के लिए तोहिन होती थी अरे लड़की की कमाई खाएंगे इतनी शर्म ना आएगी लड़की का कमा खा के बैठेंगे बैठ के लड़की की कमाई खाएंगे तो लड़का कहाँ जाएंगे और बाप क्या करेगा तो ये माँ बाप चाहे कितनी परेशानी में लेकिन लड़की को जॉब करने नहीं देंगे पढ़ाई के जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे आ, हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे सारे बिरादी वाले इकट्ठे हो जाते थे पापा किताबें फाड़ देते थे बहुत छोटी थी मम्मी सोचती थी कि मेरी लड़कियाँ पढ़ें कुछ बने छोटी बहन बड़ी जो सिस्टर थी उसको बोला गया पापा ने आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए दीन का पढ़ लीजिए क्योंकि दीन का पढ़ना ही जरूरी है दुनिया को कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है तो बहन ने कहा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी आप मेरा एडमिशन करवाएंगे पापा ने बोला हाँ पढ़ाऊंगा उसने कर, कलाम पाक पूरा कर लिया लेकिन तब भी अबू खिलाफ थे पढ़ाई के अब वो जब स्लोक पढ़ती थी क्योंकि याद करती थी तो अब्बुक उसकी किताबें फाड़ देते थे कि भैया शैतानी की पढ़ाई क्यों पढ़ते हो क्यों वो बाहर की पढ़ाई पढ़ते हो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई के लिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे अब्बू क्या सबको जो भी आता था वो पढ़ाई के खिलाफ ही बोलता था तो अम्मी ने कहा देखो बेटा मैं आपको प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकती एक बराबर में छोटा सा स्कूल है मैं उसमें एडमिशन करवा देती हूँ जहाँ एक तख्ती सी लेके जानी पड़ती थी मुल्तानी मिट्टी से उसे पूरा लीपना पोतना करके उसके ऊपर एक कालिश यहाँ आती थी उससे हम पढ़ाई करते थे तो आ, हम लोग उसमें पढ़ने जाते थे एक क्लास तक हमने पढ़ाई की जैसा भी होता था ज, आ, आ, आफ्टरनून में जाते थे इवनिंग तक वहां पर पढ़ाई करते थे हम लोग टीचर्स भी बहुत कम होती थी लेकिन हाँ एट क्लास तक पढ़ाई की तो सेवंथ में थी तब से मंगनी के लिए आने लगे रिश्ते बहन की तो मंगनी दस साल की उम्र में कर दी मेरी भी चालू हो गई अब मम्मी कहती थी छोटे-छोटे बच्चों की शादी करके क्या करेंगे तो अब बोलते थे करना क्या है इनको पढ़ा लिखा के इन्हें चूला चौका करना है इन्हें खाना बनाना तरह तरह का सिखा सिलाई करना सिखाया कढ़ाई सिखा ये पढ़ाई करके कौन सा तो कलेक्टर बना देगी और कर दी मंगनी बड़ी सिस्टर के साथ ही मेरी भी पढ़ाई छुड़वा दी गई आठवीं क्लास के बाद अब मम्मी ने कहा ऐसा तो लाइफ नहीं रुक जाएगी मेरी बच्चों की मम्मी ने बहुत मतलब प्रॉब्लम की कि भैया नहीं मैं पढ़ाऊंगी लेकिन तो मम्मी की नहीं चली तभी मुझे हो गया टाइफाइड तो पापा ने बोला कि उस लड़की जो जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी तो उसकी मम्मी ने बोला इसको तो टीवी है उन्होंने वहां से मंगनी तोड़कर जो मेरी छोटी सिस्टर थी बारह साल की उसकी शादी की बात सामने कर ली तो मम्मी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई मम्मी ने कहा नहीं मैं अपनी छोटी बच्ची की तो शादी नहीं करूंगी भैया कितनी बारह साल की है वो उसकी भी शादी पंद्रह दिन के अंदर कर दोगे आप क्योंकि शादी के पंद्रह ही दिन रह गए थे पंद्रह पहले ही मेरी मंगनी टूटी थी छोटी बहन के पापा ने कहा एक एक शादी में, दो, दो जाएंगे। मतलब एक खाने में एक खाने के चक्कर में दो लड़कियों की जिंदगी खराब दूसरी लड़की की जिंदगी सुहा कर दी शादी जिस दिन हुई लड़की को तो नहीं पता लड़के लड़के का क्या रिश्ता है जो भी उसके साथ हुआ वो बच्ची अगले दिन आती है रोने लगी परेशान हुई तो बहन को बताया तो बहन कह रही तो सबके साथ होता है इसमें क्या बड़ी बात है है उसको दो तीन थप्पड़ मारे फिर ससुराल भेज दिया वो लड़की गिड़गिड़ाती रही रोती रही मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन के साथ मुझे तो मुझे खुद नहीं मालूम था हो क्या रहा है मगर मुझे समझा दिया गया तू पागल तू बच्चे तू मत बोल मतलब मैं बड़ी हूँ मैं बच्ची हूँ वो छोटी है तो बड़ी हो गई क्योंकि उसकी शादी हो गई शादी उनके बाद लड़की चाहे छोटी हो वो भी बड़ी कहलाती है मम्मी ने कहा अब तो दो लड़कियों की जिंदगी खराब हो चुकी है मैं इन लड़कियों की जिंदगी खराब नहीं करूंगी मेरा मम्मी ने नाइन्थ क्लास में एडमिशन करवाया वो बहुत दूर जाकर बहुत दूर स्कूल पढ़ा था तो टीचर ने बोला हम आपके बेटे को पढ़ाने के लिए एडमिशन ले लेंगे लेकिन हम इनका टेस्ट लेंगे अगर ये टेस्ट में पास हो जाती है दिन के अंदर तो उनका एडमिशन पक्का है क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ने गई थी ना तख्ती चलती थी तख्ती मुल्तानी मिट्टी लगा के पढ़ाया जाता तो इंग्लिश तो हमें आती नहीं थी तो टीचर ने सात दिन का टाइम दिया तो अम्मी की आंखों में आंसू देख के अम्मी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारा एडमिशन तो करवा रही हूँ लेकिन मेरी नाम मत खराब करना हमने रात रात बैठ के दस दस चैप्टर ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए जब हमारा फर्स्ट डे था जिस दिन हम गए तो टीचर फर्स्ट पीरियड में टीचर ने हमसे क्वेश्चन सब बच्चों से क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन हम आंसर देते चले गए टीचर ने बोला आज तो आपका पहला दिन है ये सेवन चैप्टर आपने कैसे कंप्लीट किया हमने बोला मैंने तन्नू को सिख पढ़ाया तन्नू ने मुझे पढ़ाया तन्नू मतलब मेरी छोटी सिस्टर तो ऐसे करते आठ पीरियड्स थे तो कंप्लीट सब सब्जेक्ट हमने टीचर को जवाब दिया जहाँ सात दिन मम्मी को बुलाना था दूसरे दिन ही उन्होंने मम्मी को बुलाया और बोला आपकी लड़कियां ना बहुत आगे जाएंगी

उस लड़के ने दो बच्चों के साथ प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर निकाल दिया क्यों क्योंकि वो पैरों से अपाइज हो चुकी थी और हमारे पास देने को कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि पापा खुद uh, हॉस्पिटल में एडमिट थे अटैक आया था इतना बड़ा बिजनेस uh, में लॉस होने के बाद पापा को तो प्रॉब्लम हो ही गई थी वो हॉस्पिटल में थे मम्मी भी हॉस्पिटल में प्लस सिस्टर भी हॉस्पिटल में क्योंकि उसका यहां से लेकर हिप से लेकर घुटने तक पूरी हड्डी चूरा हो चुकी थी अब कमाने वाला कोई है नहीं आ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लड़की जिस पढ़ाई के लिए जिस लड़की के लिए मना किया जाता था आ, पढ़ाई के लिए सो सवाल होते थे तो वो लड़की बाउंसर लाइन में कैसे आई और कैसे उसने मर्द के जॉब करने मर्द, मर्दों की जो जॉब थी उसमें कदम रखा कि एक बार क्या हुआ मौसी की कॉल आई कि बेटा आपको फंक्शन में आना है और उसके लिए मैं दिल्ली आई दिल्ली आने के बाद जब मैंने देखा बाउंसर को मुझे लगा ये एक पुलिस ऑफिसर है या फिर आर्मी ऑफिसर क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना रहा था कि मैं बाउंसर वो आर्मी ऑफिसर बनूंगी या फिर पुलिस ऑफिसर बनूंगी आर्मी ऑफिसर की जब छावनी घर से निकलती थी ना तो हम सारे बहन भाई भूल जाते थे कि जुलाई अगस्त का महीना हम खड़े होकर छत पर उनको सलाम करते थे और क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों को तो जॉब करना तो ही समझी जाती थी बाउंसर को देख के मुझे लगने लगा यार ये तो पुलिस ऑफिसर है आर्मी ऑफिसर है और मैंने जाके डायरेक्ट उनसे बात की सर क्या है? ये मैं जॉब कर पा पाऊंगी ये कौन सी जॉब है सर तो वो बोले आपको नहीं पता बोला नहीं मैंने पहली बार देखा आप क्या पुलिस ऑफिसर हैं? या आर्मी ऑफिसर हैं? बोला नहीं मैं बाउंसर हूं तो बाउंसर ये क्या होता है सर तो उन्होंने बोला कि जैसे पुलिस ऑफिसर आर्मी ऑफिसर सेफ्टी करते हैं ना उसी तरीके से हम भी लोगों की सेफ्टी करते हैं उनको सिक्योर करते हैं बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जॉब है क्या मैं कर सकती हूँ हाँ क्यों नहीं कर सकते आप तो बिल्कुल फिट हो क्योंकि मैं चौदह साल की बहुत मतलब फिट थी मो, मोटी थी अच्छी हट्टी कट्टी लगती नहीं थी मैं चौदह साल की हूँ तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते आप कर सकते हो बिल्कुल तो मैंने उनका नंबर लिया और मैं इतनी खुश कि मुझे लग रहा सरकारी जॉब मिल गई है और उस टाइम पे मैंने उनसे बोला कि क्या कितने दिन की ड्यूटी होगी बोला हम पंद्रह दिन की आठ दिन की ड्यूटी होती है हम लोग इवेंट्स करते हैं तो मैंने कहा मुझे भी बुलाएंगे हाँ क्यों नहीं आप कहां रहते हो बोला मैं सहारनपुर रहती हूँ बोला आप आ जाओगे सहारनपुर से मैं बोला हाँ मैं जरूर आऊंगी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो मैं बोला कि मैं नाइन्थ में नहीं टेंथ में पढ़ रही हूँ टेंथ क्लास में हूं मैं और मैं आ जाऊंगी तो उन्होंने बोला ठीक है तो फर्स्ट इवेंट्स उन्होंने शादी का किया था शादी में बहुत ओ, कोई बड़ा सेलिब्रिटी था जिसको शादी में लेके आना था एयरपोर्ट से लेके आना शादी तक और शादी से ले आके फिर एयरपोर्ट में छोड़ना था तो फर्स्ट मेरा इवेंट वही था उसके बाद पंद्रह दिन तक मैं इवेंट शादी के करती गई उसके बाद कंपनी के इवेंट्स हुए वो किए मैंने जब मैं ये बाउंसर की ड्यूटी कर रही थी ना तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया सिर्फ पता तो अम्मी को क्योंकि प्रॉब्लम थी ना घर में तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो मैं घर पे खर्चे के लिए दे देती थी और आ, घर पे बता के आती थी कि मैं मौसी से मिलने जा रही हूँ मौसी ने बुलाया मौसी को कॉल करके बोलती थी कि मुझे बुला लीजिए तो बुलाई थी तो मैं उस बहाने से आकर इवेंट्स करके चली जाती थी सेवेंट्स रेगुलर भी नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई थी जो मेरा सपना था पढ़ने का वो भी खत्म हो जाता और टीचर्स लोग जो थी वो हमारा सपोर्ट करती थी बताया था हमने अपनी मैम को कि देखिए मैम घर में परेशानी है हमें जाना पड़ेगा तो टीचर बहुत सपोर्ट करती थी हमारा और जब बाउंसर की ड्यूटी करने के लिए मैं आई नाम बाउंसर था लेकिन लड़कियों को बोला सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा था लड़की एक तो मेरे घर का ही मैंने रूल देखा था कि भाई लड़कियों को आ, मतलब इतना दबा के रखते हैं लड़कियों को पल्लू रख के चलना है ऊँची आवाज में बात नहीं करना है किसी से फालतू नहीं बोलना वही चीज एक बाउंसर की ड्यूटी के लिए मैं आई हूँ लग रहा है कि वहां मेरी खुली जिंदगी होगी लेकिन वहां पर भी वही है लड़कों को इज्जत दी जाती थी और लड़कियों को नहीं लड़कियों को खाने में भी फर्क रखा जाता था अगर हम थोड़ी देर लेट आ जाते थे थोड़ा सा टाइम लेट आते थे तो गाली गालीगढ़ से बात करते थे सिक्योरिटी ऑफिसर बाउंसर अब जो मुझे लेके आ रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई अगर आप इज्जत नहीं पा सकते तो फायदा कुछ नहीं है जॉब करने का तो मैं बोलती थी मुझे गाली मत बकना आप सबको गाली बक देना मुझे गाली मत बकना लेट आई हूं तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूँ तो वो जो मुझे लेके आती थी अरे निशा तू हमारा काम खराब गई अरे काम गया तेल लेना साले को और बल्कि मारती थी पकड़ के जॉब वॉब गई इज्जत से बात कर वो बाउंसर है ना तो मैं भी बाउंसर हूँ सेम यूनिफॉर्म पहनती हूँ ना सेम काम करती हूँ ना तो हम लोगों में फर्क क्यों किया जाता है स्टार्टिंग में तो वो बो, वो लोग बोलते थे या सिर्फ मत लाया कर लड़ाई करती है लेकिन जब मेरा काम देखते थे मैं दस बाउंसर का काम अकेली संभाल लेती थी कि, कितना भी क्राउड हो हाथ जोड़ती थी और लोगों को समझाती थी अच्छे से मतलब हाथ जोड़ना और मुँह से जो शब्द निकालती थी ना लोगों को डर लगता था कि क्या बोल जाएगी पब्लिक को मैं ऐसा हटा देती पीछे कि कोई भी आगे नहीं आता था तो लोग बोलते थे कि यार दिमाग से थोड़ी खिसकी जरूर है लेकिन काम बहुत अच्छा करती है तो सिक्योरिटी ऑफिसर अक्सर करके मुझे बुला थे। आ, बोलते थे, मेरी तू, तू, है। है? तू खुश तो होती है मैं बोलती हूँ एक दिन तुम्हें इसका मैं आंसर दूंगी आज तो नहीं दे पाऊंगी तो एक दिन इवेंट था एम्बो का इवेंट था उस दिन जब मैं गई तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला अरे भैया हमारा दासू बाउंसर आ गया और मुझे उन्होंने चीयर दी मैं मैंने कहा नहीं नहीं चेयर पे नहीं बैठना मुझे ड्यूटी करनी है बोला हाँ हाँ देखो इससे सीखो लड़कियों बोले इससे सीखो देखो ड्यूटी कितनी अच्छे से करती है आते बैठेगी नहीं सबसे सब पहले गेट पर खड़ी हो जाएगी नहीं सर मैं बाउंसर हूँ मेरी ड्यूटी है क्राउड को रोकने का तो मैं ड्यूटी पे खड़ी हो गई मेरे लिए बिरयानी आई कोल्ड ड्रिंक आई कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं फिर भी उन्होंने मुझे मंगा के दी और सब लड़कियों बोला चलो सीधे अपने अपने ड्यूटी पे खड़ी जाओ गार्ड वो सब ड्यूटी पे चली गई आने के बाद उनको पूरी छोले चावल जो दाल रोटी दी जाती वो दीजी गई और मुझे बिरयानी दी गई लड़कों के साथ में मैंने लड़कियों को दिखाया देखो आप लोगों से तू तो करके बात करते हैं ना मुझसे आप करके बात करते हैं देखा ये अंतर होता है गार्ड गार्ड और बाउंसर में गार्ड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और बाउंसर से कैसे ट्रीट करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं गार्ड में और बाउंसर में अंतर कर रही थी मेरा कहने का मतलब था अपनी इज्जत हम खुद करवाते हैं अगर कोई हमसे बदतमीजी करके बात कर रहा है तू तो तोड़ा करके बात कर रहा है तो हमें भी तो बोलना चाहिए ना यार मैं तुम्हें इज्जत दे रही तुम मुझसे बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो तो हमें खुद इस बात के लिए आवाज उठानी होगी तो अब ये सिलसिला चलता गया मैं इवेंट्स करती गई लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक हुआ क्योंकि पापा का भी पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उनको भारी बिजनेस में लॉस हो गया था मम्मी की भी हालत ख़राब थी इधर छोटी बहन का एक्सीडेंट हो चुका था दो बच्चे थे साथ में दो साल ही बीते थे ज़्यादा तो टाइम बीता नहीं दो या तीन साल बीते थे बच्चे भी बहुत छोटे थे अब उनको लेके आना क्योंकि बहन हॉस्पिटल में सफदर जंग में एडमिट है उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है उससे उस पापा भी सफदर जंग में एडमिट है तो हम लोगों को पूरी फैमिली को ही दिल्ली में आना दिल्ली में सेटल होना पड़ा क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था अब उनको लेकर जब मैं आई तो लोगों की आवाज़ें उठने लगी भाई भी बोलने लगे पड़ोसी भी बोलने लगे भैया ये कौन सी जॉब करने जा रही है सुबह की गई गई सात बजे की रात के तीन बज जाते हैं क्योंकि उस टाइम ये होता था बाउंसर की जो ड्यूटी होती थी ना हम लोग इवेंट्स करने जाते थे तो उसमें टाइमिंग नहीं होती थी पैसा भी बहुत कम मिलता था और टाइमिंग का कोई पता ही नहीं था क्योंकि वही इवेंट्स आठ घंटे चल जाता था वही अट्ठारह घंटे चल जाता था वही चौबीस घंटे चल जाता था अब घर वाले तो बोलते बोलते थे पड़ोसी भी बोलते थे भैया ये कौन सी जॉब करने जा रही है तो लगे कुछ गंद धंधा कर रही है मतलब गंदे वर्ण निकालने बंदे हैं मेरे लिए जब मैं घर आती थी ना बालकनी में पापा खड़े मिलते थे आंखों में आंसू लिए तो कई बार मुझे दुख भी होता था यार मैं जॉब करने जा रही हूँ बाहर वालों के स्व सवालों का जवाब देने बाहर वालों से लड़ाई करनी और आके फिर घर वालों को भी सवा... हर एक सवाल होता था इतना टाइम क्यों लगा कहाँ थी किसके पास थी क्या कर रही थी अरे मैं काम करने जा रही हूँ मेहनत करके ला रही हूँ और आते ही पानी वानी पूछने की बजाय खाना पूछने की बजाय तुम मुझसे सौ सवाल टोकरा मेरे सर पे रख देते हो दुख भी होता था लेकिन मैंने सोचा यार कोई बात नहीं एक दिन इन्हें भी साबित कर दूंगी कि मैं कम नहीं हूँ वही हुआ तो जब मैं घर से आ रही थी ना रास्ते से ऊपर अब वो बालकनी में खड़े हुए देख रहे थे चार पांच लड़कों ने मुझे घेर लिया पीछे से मेरी चुटिया पकड़ ली साली कहाँ से सा आ रही है धंधा करके ये वो મેગા એક બાર મેને બાલ તો છોડ દયા ફિર બતાતી હું મે થારો કો કીક મે કહા સે આ રહી હું ઓર કે સમજ રહા તુ તને મેરે બાલ પકડને કી હિંમત કૈસે કી બર ગલતી સે મેને બાલ છૂટ ગયા ના માં કસમ તુ યહ તો મે વો હાલ કરુંગા તો જિંદગી ભર યાદ રખેગા ઉસ ઓર દો લડકોને આગે સે મુજે કહા મેરાસે કરકે મુહ કરકે બોલે કે તુએ તો હમ બતાયેંગે ચલ થાણે અરે થાણે કી ધમકી દેને કે લિયે પેદા હુએ હોગે તુ ઓર કુછ ના aata થારે કો है क्या करोगे तो मैंने उसके जो लात मारी खींच के जो मेरे आगे खड़े थे वो तो वो ऐसा करके घर हो गए इतनी तेज लात मारी मैंने पीछे हो गए फिर जो पीछे वाला था ना पीछे से उसका हाथ पकड़ के आगे खींच के क्योंकि पतले पतले लड़के थे मैं तो बहुत तकड़ी थी उनसे ज्यादा हैवी खींच के मार पकड़ के जमीन पे मैं तीनों चारों को खूब मारा और मैं कहा तेरी हिम्मत कैसी चाकू रखेगा चाकू उसके वो यही पर रख दिया मैंने सीधा एक क्या बोल डाल दू अंदर दम है तुम मुझसे टकराएगा साल बीती भर के बच्चे हो तुम शर्म ना आ रही इसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं तुम जैसे हो ना छत्तीस को फाड़ के फेंक देती हूँ क्या समझते हो तुम शेर हो क्या मेरे आगे बोलोगे मैं है सालो तुम्हारी आते पाते निकाल के फेंक दूंगी मैं मैंने दो के गले पकड़ रखे थे ठीक है अब ऊपर से चिल्लाए अरे अरे क्या हो गया क्या हो गया एकदम से मैंने उन्हें छोड़ दिया मैं कहा निकल लो नहीं तो इसी चाकू से ना सबकी सबकी जो है ना गर्दन काट दूंगी मैं ये चाकू लेके ठीक है ना मुझसे पंगा मत लेना जानते ना कौन बाउंसर हूँ खा जाऊंगी तुम्हें मैं अच्छे से और थाने की बजाने वाली बात चल लेकर चल थाने तीनों को तीनों एक नहीं लगा उससे तीन तो इधर भागे और दो इधर भागे मैं से बच के जैसे मैंने छोड़ दिया पापा को देख के मैंने छोड़ दिया क्योंकि पापा के सामने थोड़ा सा वो हो जाता है मैंने कहा अब ये मुझे जॉब पे नहीं जाने देंगे घबराहट उनको देख के नहीं पापा को देख के घबराहट हो गई कि अब्बू अब मुझे जाने ही नहीं देंगे मैंने अब्बू को देखते उनको लड़कों को छोड़ दिया और वो मेरे से चाकू छीन के भाग गए अब मैंने कहा अब हमें सांस ले रही मैंने, क्या जवाब दूंगी मैं क्योंकि इंसान बाहर वालों से लड़ लेता लेकिन अपने घर वालों से लड़ने में थोड़ा सा वो हो जाता है तो मुझे जो घबराहट हो रही थी अब उन लड़कों को देख के नहीं थी। लेकिन अबू को देख के और अब अबू मुझे जवाब पर नहीं जाने देंगे अब के सौ सवाल होंगे अब जब मैं जब गई अबू कह रही ये क्या हो रहा था मैंने बोला अबू कुछ नहीं कह रहे ये क्या कर रही थी मैंने कहा मार देती मैं आपने छुड़वा दिया नहीं तो मैं आज उनका कत्ल कर देती तो अबू बोले उस टाइम अबू ने का सांस ऐसे वो अबू बोले कि जा मेरी शेरनी मैंने तुझे जाने के लिए बोल दिया आज मुझे प्राउड हो गया कि भैया तुझे कोई नहीं रोक सकता <प्रावगा> उस दिन के बाद थैंक यू उस दिन के बाद अबू ने मेरी फिक्र करनी छोड़ दी मैं रात के दो बजे आती हूँ ढाई बजे आती हूँ तीन बजे आती हूँ अबू सोते हुए मिलते थे मुझे मुझे लगने लगा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया मतलब मुझे घबराहट ये थी कि मेरे अबू जाने नहीं देंगे और अब्बू ने आते गले लगा लिया अब्बू ने कहा यार मेरी बेटी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया अः मुझे अच्छा लगा कि भाई मैंने अपने मां बाप का दिल जीत लिया उसके बाद तो मैं रात के चार बजे भी आती ना अब वो कहते थे अरे छोड़ना वो किसी को पीट रही होगी तो मैं इवेंट्स करती जा रही थी इस टाइम मेरे पास परमानेंट जॉब नहीं थी जैसे सोनी निगम का इवेंट्स हो गया उदित नारायण के हो गए क्योंकि शो करते थे बड़े बड़े तो उनके शो में मैं भाग लेती थी फिर कोई पिक्चर हो गई शूटिंग जैसे बूढ़ा होगा तेरा बाप फिर चांदी चौक टू चाइना फिर शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी मोहब्बत कभी खुशी कभी कम इसमें भी मैंने बहुत सारे बाउंसें लेके गई थी साथ में और शूटिंग का काम करती थी और बूढ़ा होगा तेरा बाप बहुत सारे यहाँ पे प्रगति मैदान में इवेंट्स होते थे अलग अलग उनमें भी मैं भाग लेती थी अब क्या हुआ कि मुझे खुद को नहीं पता था सन 2014 में मुझे इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर घोषित कर दिया इतने सारे मीडिया में मेरे प्रोग्राम आने लगे इतने सारे मीडिया में मेरी न्यूज आने लगी अब क्या था जो लोग मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते थे और ये बेटा था ऐसे निकम्मी औलाद होने से अच्छे ना ऐसे चार लड़के होने से अच्छे ना तेरे जैसी बेटी हो जाती है अपने बेटों को मार मेरे सामने जब मैं ड्यूटी से निकलती उनको मारना शुरू कर देती थी देखते रहे, जैसे निकम्मा औला से ना एक बेटी हो जाती पूरा घर संभाल रखा नाम रोशन कर रखा मैं कहती यार ये वही है जो मुझे गाली बकते थे अब तो वो रोज वही चाय बना के कह, कहीं बैठ जाएंगे कहीं बिरयानी बनाए बेटा आ जा मेरे पास कहाँ टाइम है सुबह निकल जाती थी छः बजे रात को तो बजे आती मैं कहती अम्मा मैं नहीं आ सकती बहन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है हर लोग हर कोई मुझे अपने घर बुलाने के लिए वो करता अरे दीदी अपनी मम्मी से बोलते एक दिन तो बोलो उसे छुट्टी करेगी हमारे घर कर आएगी हमारा हमारे बेटे बुला रहा हमारा खाला का बेटा आया हमारा मामा का बेटा आया तो मौसी की बेटा है मैं कहती है, भाई मेरे पास कहाँ टाइम है आने का और वही भाई जो मुझे उल्टा सीधा बोलते थे अब मेरा ऑफिस में फोटो लगाने लगे मैं देख के हैरान ये है, ये मेरा फोटो क्यों लगाया तो मतलब दूर दूर के रिश्तेदार भी बोलने लगे कि वो तो मेरी बहन है मतलब अपने ऑफिस में इतने बड़े बड़े फ़ोटो लगने लगे मेरे और मैंने तो मैंने कहा यार

उनका हक नहीं है कि उनको पढ़ाने के बारे में सोचे, उनके फ्यूचर के बारे में माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ मैं माँ बाप की सोच के खिलाफ नहीं कि वो शादी हर माँ बाप के सपना होता है अपने बच्चों की शादी करना लेकिन आप ये तो बताइए शादी करना ही जरूरी नहीं है पहले उनको पढ़ाइए क्योंकि बिना पढ़ा बच्चा नर्स पशु के समान से है आपने सुना ही होगा तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कम से कम इस काबिल तो बनाइए कि वो पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए कल को उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है अब छोटी सिस्टर को लीजिए आठवीं में उसका नाम कटवाया उस पढ़ी तो थी नहीं एक्सीडेंट हुआ अगर मैं ना होती तो वो कहीं ना कहीं बेचारे तो बर्तन माँझ रही होती है या किसी के घर का, का काम कर रही होती है क्योंकि अपास्ती है वो भी नहीं कर पाती ठीक है तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कम से कम बारहवीं क्लास पढ़ाइए उसके बाद शादी की बात सोचिए लड़कियाँ क्योंकि बोझ नहीं होती वही लड़की आपका पूरा घर संभाल सकती है वही लड़की आपका नाम रोशन कर सकती है तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती ये करूँगी कि अपनी बेटियों को बेटों से कम ना समझें और उसको आगे बढ़ने में सहायता रहें धन्यवाद इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेटेड वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें